गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खड़गे के जन्मदिन पर गुलबर्गा शहर में कल्याण कर्नाटका क्रिकेट कप टेनिस बॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें कल्याण कर्नाटका से गुलबर्गा, बीदर, यादगिर, रायचूर, कोपाल, बेल्लारी सभी डिस्ट्रिक्ट से क्रिकेट प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हैं। 22 नवंबर को प्रियांक खड़गे का जन्मदिन है और इस बार एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट गुलबर्गा शहर में होने जा रहा है। प्रियांक खड़गे अभिमन्यू की तरफ से यह टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आप इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो गुलबर्गा कांग्रेस ऑफिस को विजिट कर सकते हैं, यहां आपके लिए रजिस्ट्रेशन का इंतजाम किया गया है। 5 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक आप अपनी टीम को इस टूर्नामेंट के लिए रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और 1 नवंबर से टूर्नामेंट का आगाज होगा। इस मौके पर प्रियांक खड़गे अभिमन्यु की तरफ से मजार आलम खान, डॉक्टर किरण देशमुख, प्रवीण हरवाल, फारूक मनियाल, राजीव जाने, सिद्धार्थ कोरवाल, शिव हुनगुंडी, हिरन्ना झारकी, शिव नाटेकर और दीगर टीम मेंबर्स यहां मौजूद थे। मजार आलम खान और दीगर तमाम ने टूर्नामेंट की डिटेल बताते हुए कहा, कल्याण कर्नाटका के नौजवानों में छुपे हुए क्रिकेट टैलेंट को बाहर निकालने के लिए इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। इससे पहले भी श्रावस्ती ट्रस्ट की जानिब से क्रिकेट लेजर बॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले लड़कों को बेंगलुरु के राहुल ड्राविड क्रिकेट अकेडमी में एडमिशन दिलाया गया है। अब इस बार भी जो कोई टीम बेस्ट परफॉर्मेंस देगी उसमें अच्छे प्लेयर्स को आगे बढ़ाने में सपोर्ट किया जाएगा। और सबसे खास बात, इस टूर्नामेंट में आपको फ्री एंट्री रखी गई है। मजीद जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें या फिर स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर डिटेल हासिल कर सकते हैं। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाई पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स। बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन, डिप्लोमा इन अरबिक। 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आज सोशल मीडिया का प्रेस मीट बुलाने की वजह यह है कि हमारे युवा नायक श्रीमान प्रियांक खड़गे साहब का 22 नवंबर को बर्थडे है। बर्थडे के मौके पे प्रियांक खड़गे अभिमानी की तरफ से एक क्रिकेट टूर्नामेंट रखने का ऐसा हम तमाम लोग सोचे हैं, तो उसका नाम है प्रियांक खड़गे कल्याण कर्नाटका क्रिकेट कप। तो उसमें आज हमारे बीच में आए हुए मेरे दोस्त डॉक्टर किरण देशमुख साहब, प्रवीण हरवाल साहब, फारूक मनियाल साहब, राजवी जानी साहब, सिद्धार्थ कोरवार साहब, शिव हुनगुंटी साहब, हिरन्ना झड़की साहब और शिव नाटेकर साहब और हमारे पार्टी के तमाम लोग और तमाम सोशल मीडिया के जिम्मेदारान। आज ये प्रेस मीट बुलाने की वजह ये है कि हम लोग एक टूर्नामेंट जो कल्याण कर्नाटका क्रिकेट कप, प्रियांक खड़गे कल्याण कर्नाटका क्रिकेट कप जो खिलाया जा रहा है वो 1 नवंबर से हम शुरू कर रहे हैं। इसकी ओपनिंग 1 नवंबर से है और कल यानी के 5 अक्टूबर से इसका एनरोलमेंट स्टार्ट होने जा रहा है। ये एनरोलमेंट 19 तक चलेगा। ये यहाँ कांग्रेस ऑफिस में बाहर पे एक यूथ कांग्रेस का ऑफिस है, वहाँ पर सेटअप किया गया है, वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर पर्सनली आकर उसमें एनरोल कराना है। ये गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, कल्याण कर्नाटका मतलब पूरे हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट, गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, बेल्लारी, कोप्पल, विजयनगर, यहाँ के टीमों को इसमें खिलाया जा रहा है। और स्ट्रिक्टली इसमें यह है कि ये इसी भाग के जो प्लेयर्स हैं वही उसमें खेलने का इसमें एक ये रखे हैं ख़ास तौर से। और उसमें हम आधार कार्ड और इनरोलमेंट के टाइम आधार कार्ड कंपलसरी है।
तो मैं आपके माध्यम से तमाम जो क्रिकेट लवर्स है और क्रिकेट प्लेयर्स है, मैं उन तमाम लोगों से अपील करता हूं, आप तमाम लोग आइए, आकर यहां पर कांग्रेस ऑफिस में आकर, यहां पर हमारे लोग बैठे हुए हैं, वहां पर आकर आप अगर एनरोल कराएंगे तो उसको हम आगे आने वाले इसमें पूरा टोटल उसको लेकर फर्स्ट से हम जो क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू कर रहे हैं उसमें आसानी होगी। ये टोटली फ्री है, इसमें कोई पैसे चार्ज नहीं किया जा रहा है, और इसमें हम लोग जो विनर को जो रखे हैं फर्स्ट प्राइस, जो फाइनल मैच जीता है उसको 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख रुपए, जो जीता है उनके लिए 1.5 लाख रुपए रखा गया है, फाइनल रनर अप उनको 75,000 रुपीस प्राइस रखा गया है, और उसके अलावा बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द सीरीज और तमाम जितने भी प्राइजेस रहते हैं वो तमाम प्राइजेस इसमें होंगे। तो हमारे लीडर जो प्रियांक खड़गे साहब का बर्थडे जो 22 नवंबर को है, उसके एवज में हम उसके लिए हम तमाम लोग, ये हमारे प्रियांक खड़गे अभिमानी के तरफ से हम लोग ये टूर्नामेंट रखा गया है कि आप जो भी देख रहे हैं, आपके आसपास जो भी प्लेयर्स हैं आप उनको बताइए ये यहाँ पर एक टूर्नामेंट होने जा रहा है गुलबर्गा में। गुलबर्गा में हम लोग चार से पाँच ग्राउंड आइडेंटिफाई किए हैं, हमारे एनरोलमेंट के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि हम कितने ग्राउंड में ये मैचेस को खिलाना है। अगर मैक्सिमम अगर ज्यादा से ज्यादा टीम आएंगे तो हम ग्राउंड्स मैक्सिमम इसमें बढ़ाएंगे, अगर कुछ कम आएंगे तो उसमें ग्राउंड्स को कुछ कम करेंगे। तो हमारे पास जैसे कि एमएस की मिल का एक ग्राउंड है, हमारे पास यूनिवर्सिटी का एक ग्राउंड है, एनवी ग्राउंड एक है, केसीटी इंजीनियरिंग कॉलेज का एक ग्राउंड है, एचके डेंटल कॉलेज का एक ग्राउंड, हम ऑलरेडी इसको आइडेंटिफाई कर रखे हैं, तो यहां पर हम लोग इसको खिलाएंगे। तो मैं फिर एक बार तमाम लोगों से, आपके व्यूअर से अपील करता हूं, जो भी देख रहे हैं इसको आप कल से अगर आप इसको एनरोलमेंट करेंगे तो मैं समझता हूं आप जल्द से जल्द इसको एनरोलमेंट करेंगे तो हमको आसानी होगी आगे फिक्स्चर्स डालने में और टीमों को डिसाइड करने में और मैचेस स्टार्ट करने में। ये हमारे पास जो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके नंबर्स हैं, अगर आप अगर कोई फोन पे अगर कांटेक्ट करना चाहता है तो उनके ये नंबर्स हैं 9480045304, और एक नंबर है 7026347555, और एक बार बोलता हूँ 7026347555। ये अगर नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे आपको तमाम डिटेल बताई जाएगी, मगर इसमें खास तौर से आप पर्सनली यहाँ पर आना है, आकर यहाँ पर एनरोल कराना है यहाँ पर, और आपका आपके साथ आधार कार्ड जरूरी कंपलसरी है। टीम का लगेगा या सिर्फ कैप्टन? नहीं नहीं पूरा टीम का इसलिए लगेगा, हम ये चाह रहे हैं इस भाग के हैदराबाद कर्नाटक के लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करें, तो इसलिए हम लोग आधार कार्ड चाह रहे हैं। तो खास तौर से ये टूर्नामेंट यहाँ हैदराबाद कर्नाटक को खिलाने की वजह ही यही है कि इस भाग के लोग यहाँ पर खेले, खेल कर हम लोग अगर जो अच्छे प्लेयर है उनको आइडेंटिफाई करें और उनको आगे कुछ अच्छा अगर खेलते हैं तो उनको प्रमोट करने की भी हम प्रियांक खड़गे अभिमानी की तरफ से हम उसको कोशिश करें। कितने टीम्स खिलाने का डिसाइडेड है, क्योंकि अगर अतराफ के डिस्ट्रिक्टों की बात की जाए तो काफी सारे प्लेयर्स आएंगे आपके पास टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए, तो किस तरीके से आप कितने टीम्स को किस हिसाब से खिलाएंगे? अब हम जब ये टूर्नामेंट रख रहे थे, ये हमारे पास जब बैठे थे हम ये बात आई, तो जब हम तमाम लोगों ने ये डिसाइड किया है जितने भी टीम अगर आएंगे, जितने भी टीम आने दो, हम
उन तमाम लोगों को खिलाएंगे बोलकर एक ऐसा हमारे ये है। नंबर्स कुछ ये नहीं है हमारे पास, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं है, जितने भी टीम हमारे पास आएंगे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 200 से 300 टीम हमारे पास इस टूर्नामेंट में खेलेंगे बोलकर हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो देखेंगे आने वाले दिनों में 19 तारीख तक 2020 में रहेगा कि 10 ओवर करेगा। ये पहले जो नॉकआउट मैचेस हम खिलाएंगे वो 8 ओवर के मैच खिलाएंगे। कितने मैचेस होंगे ये नॉकआउट टीम्स है, ये टीम्स आने के बाद डिसाइड होंगे। नॉकआउट मैचेस होने के बाद उसका क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल उसमें से डिसाइड कर हो जाएगा। प्रेस मीट के लिए आपका आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। जैसे कि पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे मजहर खान साहब और हमारे डॉक्टर किरण देशमुख आपको दे दिए हैं, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अभी तो आपको पूरा डिटेल में हमारे लीडर्स बता दिए आपको। मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि ये करने का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है बोले तो प्रियांक खरगे जी कभी भी क्रिकेट, स्पोर्ट्स, स्टडीज़ एंड सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्टेड है। उन्होंने अभी 4 साल से, मेरे ख्याल से 4 साल से बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो। उनका एक ही उद्देश्य था, इतना पैसा आप खाली बर्थडे आके बड़े कटआउट्स लगा के फूल डाल के शॉल डाल के खर्च करने से वही पैसा किसी गरीब को या किसी स्टूडेंट को या किसी मददगार को कुछ मदद हो सकता तो वो कर दो बोल के हमको 4 साल पहले बोले थे। हम ये 3-4 साल से हम वही करते आ रहे हैं। लास्ट टाइम हम कुछ कुकर्स दिए, कोविड में हम कुकर्स दिए और कंटिन्यू फूड रखे थे, ऐसा हर साल कुछ ना कुछ कर रहे थे। हालांकि अभी हमारे डॉक्टर साहब बोले ऐसा यूथ्स का एक डिमांड था, आप लोग लेडीज़ को ये करे उनको ये करे तो सो ये यूथ्स को भी कुछ आप स्पोर्ट्स के लिए इनक्रेज करो बोल के, ताकि हम सोचे क्रिकेट इज़ द बिग गेम एंड बहुत सारे यूथ्स चाहने वाले हैं। ये हमारे खेड़े गांव में क्या होता है, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, वो लोग उधर ही खेलते हैं, उधर से मतलब उधर भी टैलेंट बहुत है, ऐसा नहीं है उनके पास टैलेंट, उधर ज़्यादा टैलेंट है, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। इस कल्याण कर्नाटक रीजन का करने का मतलब क्या है, तो पूरे कल्याण कर्नाटक के एक यूथ जुड़ जाएंगे तो एक नया टैलेंट उभर के आएगा, उनको सीखने को मिलेगा, उनको एक तजुर्बा होगा कि वहाँ के प्लेयर्स कैसे हैं, यहाँ के प्लेयर्स कैसे, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, उससे उनको बढ़ावा मिलेगा कि हम आगे जा सकते बोल के उनको हिम्मत मिलेगा, हौसला मिलेगा। नहीं तो उधर ही खेलेंगे उनको लगेगा ये इधर हम इतना ही, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। इस उद्देश्य से हम यूथ्स को आगे बढ़ाना स्पोर्ट्स में और उनको एनकरेज मिलना है, और इसलिए इतना हार्ड मनी क्यों रखा है, तो उनको कुछ उस चीज़ से उनको कुछ आप उनको हेल्प होना है बोल के, उनका क्रिकेट किट्स होने दो, उनका ड्रेसेस होने दो, उनको क्या चाहिए वो यूज़ होने के लिए, आगे ये मनी से उन्हों बेंगलुरु को जा सकते हैं या दूसरे टूर्नामेंट्स खेलने के लिए उनको एक हैवी अमाउंट मिले मिलना बोल के हम सपोर्ट किए। इस ये छोड़ के उनको हम अभी दूसरे पूरे जो सीरीज़ में बेस्ट बैट्समैन उनको भी हम सोचे है कुछ करने के लिए, वो अभी डिस्क्लोज नहीं करें, हम बाद में हमारा टीम और टेक्निकल टीम बैठ के उनको क्या क्या प्राइजेस देना है कैसा देना है वो भी सोचे। ये छोड़ के भी लास्ट डे जैसे कि अभी हम डॉक्टर साहब बोले हम सोच रहे कि एक बड़ा क्रिकेटर को या बड़ा फिल्म स्टार को बुलाना बोल के सोच रहे, इंशाल्लाह होगा नहीं होगा वो पता नहीं, हमारा कोशिश है हम बुलाना है क्रिकेटर को। उन्हों आने से क्या होता है इधर के स्पोर्ट्स यूथ्स को एक एनकरेजमेंट मिलेगा, अरे ये क्रिकेटर आके हमको ये प्राइज दिया है, एक फिल्म स्टार आके ये दिया है, उनको भी एक ये मिलता है बोल के हम सोच के वो सोचे हैं। देखेंगे आगे क्या क्या होता है। हमारा तो अभी स्टार्टिंग कल से एनरोलमेंट हो रहा है, 19th को एनरोलमेंट क्लोज होगा हमारा। जिस दिन हमारा एनरोलमेंट क्लोज होगा तब हमको क्लियर पिक्चर मिलेगा कि कितना टीम एनरोल हुआ है, हम इसको कैसा हम इसमें लाना है, उसके बाद ही हमको एक क्लियर पिक्चर मिलेगा कितना टीम कहाँ कहाँ खिलाना है, कैसा खिलाना है, कौन से डेट पे कौन सा मैच कहाँ पे होगा। हम डिवाइड करना चाह रहे ऐसा कितने ग्राउंड्स है वो ग्राउंड्स को हम अलॉट कर देते हैं। एग्जांपल अभी 10 टीम को एक ग्राउंड, 10 टीम को एक ग्राउंड, ऐसा ग्राउंड्स अलॉटमेंट का भी सोच रहे हैं ताकि उनको मुश्किलात नहीं आना है, रोज़ रोज़ नहीं एक ही दिन हम अलॉटमेंट करके छोड़ देते हैं उनको। एक ग्राउंड को एक हमारा एक यूथ टीम रहेगा, हर चीज़ तो देखेंगे उन्होंने, पानी क्या होगा, ग्राउंड पे क्या चल रहा है, एक हर एक ग्राउंड को एक टीम बना रहे हैं हम, वो ग्राउंड का टीम वही देखना, वो ग्राउंड का कुछ भी समस्या
क्या भी रहे तो वो हल करना। कि अभी हमारे नेता मजहर खान जी ने आप सबको ये टूर्नामेंट के बारे में बताया है, हर साल प्रियांक खरगे जी के जन्मदिन पर हजारों के तादाद में बेंगलुरु जाके उनको विश करते थे, और पिछले 3-4 साल से प्रियांक खरगे जी ने बर्थडे उतने बड़े पैमाने पे नहीं बनाना, और पूरे लोग को तकलीफ होता, स्पेशली गुलबर्गा से और नॉर्थ कर्नाटक से पूरे लोग वहाँ बेंगलुरु जाके पहुँचने में उनको ये तकलीफ होता बोल के उन्होंने बर्थडे बनाना छोड़ दिया। उसके बारे में कई जगहों पे सोशल सर्विस या सोशल प्रोग्राम्स हम लोग हर साल बहुत सारी एरियाज़ में, गुलबर्गा हो या कल्याण कर्नाटक में हो, वो करते थे। तो इस बार हम सब लोगों ने सोचा कि, और बहुत सारे यूथ का भी डिमांड था कि एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो बोल के। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं सबसे चहेता गेम क्रिकेट है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि पूरे कल्याण कर्नाटक में एक बड़े पैमाने पे एक क्रिकेट टूर्नामेंट करेंगे, बहुत ही प्रोफेशनल वे में उसको ऑर्गेनाइज करके प्रियांक खरगे जी के बर्थडे के दिन जो 22 नवंबर को फाइनल मैच खिला के, और वो मैच में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई अच्छा क्रिकेट प्लेयर या फिर कोई स्टार को बुलाना बोल के देखेंगे। वो शायद 22 से पहले आप सबको हम लोग उसका इंफॉर्मेशन भी देंगे। तो इसके लिए अब हम लोग ने सोचा कि अच्छा प्राइस अमाउंट भी रखेंगे, इसलिए 1.5 लाख विनर्स को और 75,000 रनर्स को दिए गए हैं, और पूरे बाकी सब प्राइस भी दिया जाएगा। और फाइनल मैच जो है MSK मिल ग्राउंड, फिलहाल हमने वो आइडेंटिफाई किया है। तो इसमें जैसे कि मजहर खान जी ने बोला है कि कोई लिमिट नहीं है, ना कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी है, जितने भी टीम्स आते हैं हम सबको एंट्री, जितने भी जेन्यून टीम्स विद पूरे आधार कार्ड वगैरह उनका और ये एरिया को बिलोंग करते हैं उन सबको इसमें मौका दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ा एक टूर्नामेंट और बहुत ही प्रोफेशनल वे पे हमारे साथ पूरे क्रिकेट के जो भी कोचेस है या फिर क्रिकेट के टोटली स्टाफ जो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, टेक्निकल स्टाफ, उन सबको भी हमने बात किया है, तो बहुत ही प्रोफेशनल वे से ये हम लोग करने वाले हैं। सर, बारिश की वजह से अगर कुछ मैचेस नहीं हो पाएंगे तो क्या पॉइंट्स के बेसिस पे टीम को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, अभी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम नवंबर में यूजुअली उतना ये नहीं रहता, तो एक तो ये है कि जितने भी टीम आएंगे वो हम लोग वो देख के आगे का हम लोग डिसाइड करने का सोच रहे हैं, और बहुत ही लोकल ही रहते हैं तो आई थिंक वी कैन पोस्टपोन। तो लेकिन अगर 2-3 दिन बारिश हो गया तो क्या करना, जी वो बाद में हम लोग टेक्निकल टीम से बैठ के डिसाइड करेंगे। सर, जिला कांग्रेस की तरफ से पहली बार? नहीं नहीं, ये जिला कांग्रेस की तरफ से नहीं है, ये प्रियांक खरगे साहब के जितने भी चाहने वाले हैं, नहीं नहीं ये जितने भी चाहने वाले हैं, हाँ जितने भी चाहने वाले हैं, ये सिर्फ बहुत सारा आपको मालूम है प्रियांक खरगे जी का पूरा स्टेट वाइड एक बहुत ही चाहने वाले है हर जगह, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है उनके चाहने वालों की तरफ से, ये इसमें सिर्फ हमारे पार्टी हो या ऐसा ये नहीं है, तो हम सब लोग मिलके ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इनको। हम बहुत सारे लोग हैं जो आज नहीं आए हैं क्योंकि ये फेस रहना बोल के हम लोग आज प्रेस मीट करके ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पास होना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पहुँचना और ज़्यादा टीम्स आना बोल के हम आज प्रेस मीट रखे, और हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग इसमें ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में रहेंगे। सन्मान्य श्री ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರವರ ಬರ್ತ್ಡೇಯ ನಿಮಿತ್ತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಆಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಬಂದು ಒಂದು ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರವರ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಟೀಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು, ಏನೇನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅದೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೀಮ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಂಬರಿಗೆ 14 ಟೋಟಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಆಡೋರು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ
ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 19 ತಾರೀಕು ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು ಏನು ಆಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕರೆದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಆ ಟೀಮಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದವ್ರ ಟೀಮ್ ಕುಂತು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಯಾವ ಯಾವ ಟೀಮ್ಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಾವು ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀಮ್ಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೇವಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟು. This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details.